एक काम करता रहे यार। ओके मोहम्मद आसिफ बिफोर वी वाइंड अप ऑन फास्ट बॉलर्स, द बेस्ट फास्ट बॉलर एवर पाकिस्तान हैज एवर प्रोड्यूस्ड, सिंपल पीरियड। वसीम अकरम नहीं, वसीम अकरम, इमरान खान या मोहम्मद आसिफ, फास्ट सीम बॉलर, सीम बॉलर, फास्ट बॉलर, कैटेगरी डिफरेंट है, डिफरेंट कैटेगरी, ठीक है। फास्टेस्ट बॉलर होगा, सैफी भाई नाराज हो जाएंगे आपसे यार, जो मजिशन ये था ना, मैं आई एम सॉरी टू से, मैंने बॉलिंग इस तरह मैंने गजनी कभी नहीं देखी। इसको बॉल, इसको एक्सप्लेन ऐसे क्या करें, इसको एक्सप्लेन ऐसे करते हैं, चलो मेरा एक्सप्लेन निकाल लो, तुम्हें फास्ट बॉलिंग नजर आएगी, तुम्हें एक सिंपल बॉलिंग नजर आएगी, तू आसिफ भी लगाएगा ना, तुझे आर्ट नजर आएगा। वाह, समझे, मैं एक बॉलर हूं, सिंपल फास्ट बॉलर, वो एक आर्ट नजर आएगा। बैट्समैन आगे आ रहा है, बैट्समैन का बल्ला जा रहा है, उसका बल्ले का गैप एम ही बन रहा है, वो गैप क्यों बन रहा है, लक्ष्मण ने बल्ले 2000 पैसे मारे आगे लक्ष्मण, सही बात है, सही बात है, मैं ग्राची जैसी बात कर रहा हूँ, लक्ष्मण ये टांग निकाली इधर, बल्ला बिल्कुल साथ से नहीं ऐसे करके ना, फिर लेंथ के साथ बल्ला ऐसे आगे कर दिया, इतना बड़ा गैप, बॉडी तो सहवाग वाला भी, लक्ष्मण वाला, सहवाग वाला, मैं कहता हूँ आश्चर्य हो गया, मैं बड़ी स्क्रीन में देख रहा हूँ यार, मैं कह रहा यार शेम ऑन यू शोएब अख्तर यार, इसे कहते हैं बॉलिंग यार। अच्छा, ही वाज अ जीनियस यार, ही वाज मैजिशियन। अच्छा, अब उसने बैट्समैन को आगे भी लाना है, उसको एक्सपोज भी करना है, उसको गंदा भी करना है, उसको डंडे भी मार, डंडे पे बॉल मारना, ठीक है ना, और डंडे बॉल ये नहीं टक करके, नहीं नहीं, और ठाक करके वो जा रही है, वो पता है ये बड़ा गंदा साउंड है, सही एक्सप्लेन कर रहा है, बड़ा मजे का गंदा 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 साउंड है, ठीक है ना। तो अब उसने जब आउटस्विंग करना है ना, उसी रिस्ट के साथ पान की रिस्ट ना, वो जो सीधी करता था, वो लगता है आ रहे अंदर ही, आ रहे अंदर ही, आ रहे ढा बार, वही से बाहर, वही से अंदर, इट इज टोटली डिफरेंट फास्ट बॉलर, एक ही लेंथ से बाहर बॉल निकालना और उसी लेंथ से लेंथ बॉल को अंदर लाना, व्हाट अ वेस्ट फॉर हिमसेल्फ एंड फॉर पाकिस्तान, व्हाट अ वेस्ट, एंड ही इज वेस्टिंग हिज लाइफ। हां, अब सुना कि नाउ ही इज वेस्टिंग हिज लाइफ, पहले ही वेस्टेड हिज करियर एंड नाउ इज डिस्ट्रॉइंग हिज लाइफ, प्रोबेबली डिप्रेस हो गया होगा। लेट मी टेल यू राइट नाउ, मैं डिप्रेस हो गया, मैं तुझे कर जाता हूं बात, जब मैंने इसको बल्ला मारा ना 2007 में, तो देखिए मेरा नुमान राशिद भाई, तुम तो लोग खेल साथ में, बॉलिंग के बाद समझ नहीं आती, 4 ओवर किए हो ना तो कुछ समझ नहीं आ रही होती दिमाग में, वो बाहर होता है साव साव होता है, कुछ दिमाग में स्वाइप बैट्समैन बॉल्स कुछ के अलावा कुछ समझ नहीं आ रही होती, तो उसमें हीट ऑफ द मोमेंट में इसने पता नहीं कहाँ से बीच में आया, मेरी शायद की हो रही थी, तो बीच में आया तो उसको बल्ला पड़ गया, इंसिडेंट हो गया। बींग एल्डर सीनियर फास्ट बॉलर, और मैं पीक में था, और मेरा वो आखिरी पीक का साल था, ठीक, तो उसके बाद मैंने नीचे ड्रम नीचे आना था, तो मैं इसके पास गया, मैंने कहा यार आसिफ हो गई गलती, लेट इट गो, लेट इट गो, छोड़ दे, खत्म कर दे, अब मैं यहां से वर्ल्ड कप से वापस जाऊंगा ना तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी, मुझे हो गई गलती, आई अपोलोजाइज, आई अपोलोजाइज इन फ्रंट ऑफ द टीम। उसने आगे से कहा कि आप रहेंगे या फिर मैं रहूंगा, ये शोएब मलिक ने कहा मुझे, उन्होंने कहा हमने बड़ा समझाया इसको, या आप रहेंगे और पता नहीं, बल्ला आलम आप शोएब मलिक ये कह रहा है। बहरहाल मैंने उसे कहा कि, उसने कहा लिख के दे दे, आसिफ मैनेजर ने कहा आसिफ से कि तू लिख के दे दे इसके खिलाफ, तो हम एक्शन ले लेते हैं, अदरवाइज तू नहीं लिख के देता, तो मैनेजर साहब ने कहा कि ख़त्म कर दे, प्रीमियर फास्ट बॉलर हमारा, जरूरत पड़ेगी हमें वर्ल्ड कप में, तो देन ही सेट के नहीं या तो ये रहेंगे या फिर मैंने, स्पॉन्टेनियसली मेरे एम ही मुँह से ना निकल गए, मगर यार चाहे फिर देख लेते हैं। उसके बाद मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े, नॉट बिकॉज ऑफ मी, नॉट बिकॉज जस्ट वन, बट यू नो मेरे दिल से ना एक ऐसी बदवास ही, बदवास टाइप सी निकली, बदवास की नहीं मैंने, ठीक हो गया, एक के बाद एक, कभी चरस का केस, कभी डोप का केस, कभी इधर, कभी दुबई में पकड़ रहा है, कभी उधर पकड़ा जा रहा है, कभी मैच फिक्सिंग पकड़ा जा रहा है, कभी नहर से मिल रहा है, कभी किधर से मिल रहा है, तो मैं मुझे तकलीफ हुई, मुझे इतनी तकलीफ हुई, मैं फिर उसको मिलने गया, अभी को साल दो साल पहले की बात है, मैं मिलने गया, मैंने पूछे हालात उसके बारे में, इज लाइक लिटरली लॉस्ट इट, आई एम सॉरी टू से, उसकी अगर उसकी बीवी उसको ना संभाले तो आपको खबर आ जानी, इट इज अ सैड सिनेरियो बट आई प्रेजेंटेड यू, बट दिस इज अनफॉर्चुनेट, बट यू नो द लेसन इज लर्नड। नमान, मैं और राशि भाई गाड़ी में बात करते, दिल में कुछ चीज हो ना
और यार माफ कर दे, यार माफ कर दो, खत्म हो जी, पता नहीं तू किस वजह से पकड़ा जाए। मैंने जिंदगी में यार देख, आई एम नॉट समवन दैट टू द मोस्ट पायस पीपल इन द वर्ल्ड ऑफ कोर्स, बट मैं दिल में नहीं रखता यार। मैं जो है मैं कह दिया और माफ करके निकल गया आगे, खत्म होगी नहीं यार। यार कौन 47 टेस्ट खेल के 150 टेस्ट वाले के साथ मुकाबला करता है? कोई है ऐसा बंदा? मिसाल है तेरे सामने? ठीक है, नहीं है ना मिसाल? वो 400 वाला आउट वाला बेचारा घूमता फिरता गलियों में, नहीं पूछते लोग। बट थिंग इज गॉट अ फॉरगिविंग हार्ट होना चाहिए तेरे पास, बट समहाउ आसिफ की वो चीज नहीं मुझे समझ आई, जिसकी वजह से वो डिक्लाइन डिक्लाइन डिक्लाइन। एनीवेज इट्स मिसफॉर्च्यून फॉर